सनातन धर्म के चार प्रमुख धामों में से एक द्वारिका धाम। द्वार का अर्थ दरवाजा तथा का अर्थात ब्रह्म। इन दोनों का शब्दार्थ यही होता है कि ये ब्रह्म की प्राप्ति का द्वार है। तभी तो सप्तपुरियों में से एक मोक्षपुरी द्वारिका नगरी को कहा जाता है। हर युग में एक नए रूप एवं नए नाम के साथ अवतरित होने वाले भगवान की माया अपरंपार है। धन्य है वो भूमि जहां जहां भगवान ने अपनी लीलाओं का विस्तार किया। ऐसी ही पावन भूमि है गुजरात की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण जिनके बाल एवं युवा स्वरूप के दर्शन होते हैं मथुरा वृंदावन में। भगवान ने मथुरा में जन्म लेने के बाद अपने चंचल मधुर स्वभाव से सबको मुक्त किया वृंदावन की गलियों में। अपनी प्रणय लीला को साकार किया बरसाने में आकर। नंदलाला, गोपाला, गोपी किशन और फिर राधा किशन, उनकी प्रत्येक लीलाओं के साथ जुड़ा हर बार एक नया नाम। ब्रज में अपनी लीला समाप्त कर जब भगवान ने सौराष्ट्र की ओर प्रस्थान किया था, तब उन्होंने सर्वप्रथम सागर से अपने निवास हेतु थोड़ी सी भूमि की प्रार्थना की। भगवान की वाणी से गदगद सागर ने उन्हें जो भूमि प्रदान की, कालांतर में वही द्वारकापुरी बन गई और भगवान श्री कृष्ण जी बन गए द्वारकाधीश। अब हम सब मिलकर श्री द्वारकाधीश दर्शन के लिए चले। यह है आठवीं द्वारका है। कहते हैं प्राचीन द्वारकाएं सागर में विलीन हो गई, परंतु इस द्वारका के डूबने का भय अब किसी को भी नहीं रहता, क्योंकि महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण जी यहीं विराजमान हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सागर तट पर सुशोभित है जगत मंदिर, मोक्ष मंदिर, त्रैलोक सुंदर भगवान श्री कृष्ण का ये द्वारकाधीश मंदिर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के पुत्र वज्रनाभ ने करवाया था। यहां आकर्षक चांदी जड़ित द्वारकाधीश की मूरत शोभायमान है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो। मंदिर के ध्वज स्तंभ की ऊंचाई लगभग 25 फुट एवं ऊपर लहराने वाली ध्वजा 52 गज कपड़े से निर्मित है। गोमती नदी के तट पर बसे इस मंदिर में भगवान की सुंदर श्याम चतुर्भुजी शंख चक्र गदा तथा पद्म विभूषित प्रतिमा के दर्शन होते हैं। प्रातःकाल गोमती स्नान के पश्चात भगवान के मंगला दर्शन करने से जीवन मंगलमय हो जाता है। सारे जग को अपनी महिमा से अलंकृत करने वाले श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार दर्शन से मन को एकाग्रता और चित्त को परम शांति प्राप्त होती है। अलग अलग दिनों के अनुसार प्रभु को विभिन्न वस्त्रों से सुशोभित किया जाता है। सोमवार को गुलाबी, मंगल को पीला, बुध को नीला, गुरुवार को केसरी और शुक्रवार को श्वेत, शनिवार को बादली एवं रविवार को लाल वस्त्र दिए जाते हैं। श्रृंगार दर्शन के उपरांत मध्यान्ह भोग एवं राजभोग होता है। धूप ज्योति एवं घंटों की मधुर ध्वनि के साथ मंदिर के मुख्य पुजारी के द्वारा नित होने वाली आरती भी दर्शनी होती है। यहां प्रतिदिन भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है। कान्हने माखन भावेरे, पालाने मिश्री भावेरे, कान्हने माखन भावेरे, पालाने मिश्री भावेरे, कान्हने माखन भावेरे, पालाने मिश्री भावेरे, कान्हने माखन भावेरे, पालाने मिश्री भावेरे। मोहन थाल में माल पुआ पड़, मोहन थाल में माल पुआ पड़, मक्खन जीवानी, ओहो मक्खन जीवानी, कान्हने मक्खन भावेरे, वालाने मिश्री भावेरे। हजारों रूप हजारों चरण वाले शाश्वत पुरुषोत्तम की सत्ता का प्रतीक ध्वजा के रूप में मंदिर के ऊपर लहराता रहता है। ये ध्वजा
संपूर्ण जगत में फैले भगवान की शक्ति को दर्शाता है। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तों द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ध्वजारोहण के पश्चात ब्रह्म भोज कराना पड़ता है। यदि ये संभव न हो तो अन्नदान से भी विधि संपन्न की जा सकती है। वशिष्ठ पुत्री गोमती जी के मंदिर में नित्य पूजा आरती एवं घंटनाद से सारा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। गोमती स्नान की महिमा अपूर्व है। श्यामल स्वरूप भगवान के दर्शन हेतु आने वाले भक्तों को सर्वप्रथम गोमती नदी में स्नान करना चाहिए। द्वारका तीन है, गोमती द्वारका, मूल द्वारका तथा बेट द्वारका। गोमती नदी के कई घाट हैं, संगम घाट, नारायण घाट, वसुदेव घाट, गौ घाट, पार्वती घाट, ब्रह्म घाट, मर्दन घाट, सरकारी घाट, गंगा घाट, हनुमान घाट आदि। गोमती जी एवं सागर का यह सुंदर संगम भक्तों का मन बरबस ही मोह लेता है। यह है शारदा पीठ। यह 2500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। आदि शंकराचार्य जी ने भारत वर्ष में 4 पीठों की स्थापना की थी। उत्तर में ज्योतिष पीठ, दक्षिण में सुमेरु पीठ, पूरब में गोवर्धन पीठ तथा पश्चिम में शारदा पीठ।
इन चारों में सर्वप्रथम शारदा पीठ की स्थापना हुई थी। जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा इसका जीर्णोद्धार हुआ। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूज्य गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो द्वारका शारदा पीठाधीश्वर और बद्रीनाथ के ज्योतिष पीठाधीश्वर भी हैं, आपका अवतरण इस धराधाम पर आज के ही तिथि में हुआ। गुरु जी के जन्म दिवस के पावन पर्व पर गुरु जी सतायु हों चिरायु हों, इस कामना से हम सभी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये राम नाम का तैरता पत्थर, मंदिर के दूसरे छोर पर है 56 सीढ़ी स्वर्ग द्वार। ये है त्रिविक्रम मंदिर। इस मंदिर में तुलादान का अत्यधिक महत्व है। जिन्होंने अपने चरणार विंद के तीन पाद धरकर इस धरती को धन्य किया, उस त्रिविक्रम जी के दर्शन मात्र से ही प्राणी पाप मुक्त हो जाते हैं। दुर्वासा मुनि का मंदिर, कृष्ण जी की आठ पटरानियों का महल, चारों ओर सागर का खारा पानी और बीच में मीठा पानी, प्रभु की इस विचित्र लीला के दर्शन होते हैं पंचनद तीर्थ में। यही है महाप्रभु की बैठक, यही भगवान श्री कृष्ण जी की परंपरा का विस्तार हुआ था, और ये हैं मीठे पानी वाले पांच कुएं। इन कुओं का नाम पांच पांडवों के नाम पर आधारित है। ये है भीम कुआं, अर्जुन कुआं, नकुल कुआं, सहदेव कुआं और युधिष्ठर कुआं। इनमें युधिष्ठर कुआं का पानी सबसे अधिक मीठा है। यह है गांधी स्मारक। प्राचीन काल में समुद्र मार्ग से अन्य देशों के साथ व्यापार वाणिज्य का कार्य संपन्न होता था। इसी रास्ते से सोने जैसी समृद्धि द्वारका में प्रवेश करती थी, इसीलिए
इसे सोने की द्वारका भी कहते हैं। यह है प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर। कहते हैं किसी समय संकादिक ऋषि द्वारका में वास करते थे। उन्हें ब्रह्मा जी ने शिव पूजन की महत्ता समझाई। ब्रह्मा जी के परामर्श से ऋषियों ने शिवलिंग की स्थापना की। यही सिद्धेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध हो गया। शिव बंधु सखा, शिव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यही ज्ञान वाटिका यानी कि ज्ञान बावड़ी भी है। कहते हैं इस बावड़ी का जलपान तथा सिद्धेश्वर महादेव जी की पूजा करने से ज्ञान का विकास होता है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार शारदा पीठाश्वर जगत गुरु श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। ये है भड़केश्वर महादेव जी का मंदिर। भयग्रस्त मानव के भय दूर करने के लिए यहां भगवान शिव की स्थापना हुई है। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि को यहां मेला लगता है। ये है गीता मंदिर। महाभारत युद्ध के समय मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान ने उपदेश देकर मिथ्या जगत और सत्य का ज्ञान कराया था। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानेर भक्ति भारता अवित्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृज्याम्यहम्। इसका सुंदर दर्शन यहाँ की प्रतिमाओं में देखने को मिलता है। सागर के रास्ते यात्रा करने वालों को दिशा निर्देश देता यह लाइट हाउस। वैसे तो सागर तट पर खड़े होकर सूर्यास्त का दृश्य देखना बेहद अच्छा लगता है, परंतु सनसेट पॉइंट पर आकर इसे देखने का आनंद ही कुछ और है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है ये गायत्री शक्तिपीठ। ये है गायत्री वेद मंदिर। और ये है रामधुन मंदिर। संत प्रेम भिक्षुक ने इसका निर्माण करवाया था। यहां उन्होंने श्री राम जय राम 13 लाख बार लिखकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी। कहते हैं आज भी श्री राम जय राम लिखने वालों का भगवान अवश्य कल्याण करते हैं। ये है स्वामी नारायण मंदिर। आचार्य परंपरा द्वारा प्राणियों को राम भक्ति की ओर मोड़ने तथा भोग से भक्ति योग की राह पर चलने का ज्ञान देने वाले स्वामी नारायण जी का ये मंदिर। इस मंदिर में नर नारायण देव, वामन जी, बरहा अवतार आदि के दर्शन होते हैं। भगवान विष्णु की लीलाओं को प्रदर्शित करती यहां की मूर्तियां भक्तों को सदैव आत्मिक सुख प्रदान करती हैं। ये है सनातन सभा मंडल।
भक्तों को यहां आकर असीम शांति की प्राप्ति होती है। यह है सत्ताधार मुख्य मंदिर, यह है चोटीला मंदिर। भक्त श्री जलाराम मंदिर, यहां राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी एवं हनुमान जी के साथ साथ राधा कृष्ण जी की पूजा भी संपन्न होती है। यहां प्रति बृहस्पतिवार को 700 बच्चों को भोजन कराया जाता है। यह है मूल द्वार का मंदिर। यह जो भगवान कृष्णा जरासंघ के साथ युद्ध करके रण छोड़ के यहाँ आया, यहाँ विश्राम किया, यहाँ से बाद में द्वारका गए। यह है रण छोड़ जी का मंदिर। मंदिर की ऊंचाई लगभग 158 फीट है। यहां भगवान की कंची चतुर्भुजी मूर्ति है जो सोने के मुकुट एवं मालाओं से अलंकृत है। इसके समीप है सिद्धेश्वर मंदिर। आपको नागेश्वर महादेव के दर्शनार्थ ले चलेंगे। नागेश्वर महादेव की गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। कहते हैं सुप्रिय नामक भक्त की इच्छा पूर्ण करने हेतु भगवान शिव यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का दर्शन कल्याणकारी होता है। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले। शंकर भगवान की इस विशाल प्रतिमा का निर्माण गुलशन कुमार के द्वारा किया गया था। ये है गोपी तालाब। कहते हैं गोपियों के स्नान हेतु भगवान के आदेश से विश्वकर्मा जी ने इसे तैयार किया था। ऐसी भी मान्यता है कि अर्जुन को जब अपनी शक्ति का घमंड हो गया था तब
श्री कृष्ण जी ने इसी स्थान पर गोपियों के साथ मिलकर उनके घमंड को तोड़ा था। कावा जाति के लोगों द्वारा अर्जुन के धनुष बाण इस स्थान पर छीन लिए गए थे। यह देख गोपियां लज्जित होकर इसी तालाब में समाधिस्थ हो गईं। इस तालाब की माटी को गोपी चंदन भी कहते हैं। आज भी इस पवित्र तालाब की माटी को भक्तगण अपने घर लेकर जाते हैं। यह माटी चर्म रोग दूर करने में प्रभावशाली होती है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि प्रतिवर्ष श्रावणी एकादशी में भगवान स्वयं यहां स्नान करते हैं। यह है गोपी जी का मंदिर। इसके निकट ही महाप्रभु जी की बैठक है। और अब हम ओखा बेट द्वारका के दर्शनार्थ जा रहे हैं। बेट द्वारका तक जाने के लिए स्टीम लॉन्च एवं जहाज की सुविधा उपलब्ध है। चारों ओर सागर की चंचल लहरें और बीच में ये पवित्र शांत भूमि, इसे जजीरा यानी कि बेट कहा जाता है। यह है सागर के मध्य स्थित बेट द्वारका। संपूर्ण परिसर 14 किलोमीटर में है। बेट द्वारका में महाप्रभु का निवास स्थान होने की वजह से यहां के मंदिर शिखर बंद नहीं होते हैं। ये है शंखो द्वार। कहते हैं पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से वर्णित वेदों को ले जाने वाले शंखासुर दैत्य का मत्स्य रूप से नाश करके भगवान ने यही उद्धार किया था। भक्ति मार
इस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात स्वर्ण गौ तुला आदि दान करके भगवान का दर्शन शुभकारी होता है। ये है शंख नारायण मंदिर। श्री गुरु श्री हनुमान दांडी मंदिर बेट द्वारका से 5 किलोमीटर दूर हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज के मंदिर है। यह भारतवर्ष का एकमात्र मंदिर है जो दायक फल चारी। इसके समीप ही प्रेम भिक्षु द्वारा लिखे श्री राम जय राम के मंत्रों से सजा साधना केंद्र है। भक्तजनों, अब हम दर्शन करते हैं हरिहर आश्रम का। ये है धुनी मंदिर। बेट द्वारका से वापसी के रास्ते दर्शन होता है रुक्मणी देवी मंदिर का। इस मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं द्वारका पधारने के लिए दुर्वासा मुनि को जब भगवान ने निमंत्रण किया तब मुनि ने यह शर्त रखी कि मैं उस रथ पर यात्रा नहीं करूंगा जिसे कोई पशु खींचे। मुनि के वचन सुन भगवान श्री कृष्ण एवं देवी रुक्मणी जी ने स्वयं रथ को खींचा। बीच रास्ते में माता रुक्मणी को प्यास लगी, तब भगवान ने अपने अंगूठे से भूमि में छेद कर जल निकाला और माता की प्यास बुझाई। बिना आज्ञा के किए गए इस कार्य के कारण दुर्वासा जी अत्यंत क्रोधित हो गए और रुक्मणी जी को वियोग का श्राप दे दिया। तभी से देवी का यह मंदिर यहीं स्थापित हो गया। गोमती द्वारका से मटिया होते हुए हर्षद देवी मंदिर की यात्रा की जाती है। इस भव्य मंदिर में धर्मशालाएं भी हैं। माँ के नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, माँ के नाम के हीरे। हर्षद मंदिर का भव्य अवलोकन मन को बेहद शांति प्रदान करता है। कहते हैं शंखासुर नामक राक्षस से इस धरती को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने माता की पूजा की थी। माता भगवान कृष्ण की कुल देवी थी। लूटने वाले लूटेंगे मैं शोर मचाऊं गली गली, लूटने वाले लूटेंगे मैं शोर मचाऊं गली गली। ये श्री द्वारकापुरी से 14 मील की दूरी पर है। संपूर्ण द्वारका यात्रा माता के दर्शन बिना अधूरी मानी जाती है। अब हम आपको अन्य मंदिरों के दर्शनार्थ ले चलेंगे, परंतु तनिक विश्राम के उपरांत। मटिया से ही सुदामापुरी का मार्ग है।
ये है पोरबंदर, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन्म लिया था। मेरे मुख में सुख और दुख में सदा। और भक्तों, आइए अब हम चलते हैं बेरावल की ओर। राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। बेरावल के रास्ते में स्थित है साईनाथ मंदिर, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले साईनाथ के इस मंदिर में दूर दूर से भक्तगण आते हैं। और ये है पातालेश्वर महादेव का मंदिर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और ये है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भक्तजनों, यह है भालका तीर्थ। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। द्वारकापुरी की यात्रा करने वाले भक्त सोमनाथ मंदिर जाकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना नहीं भूलते। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और अब हम दर्शन कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का। यह मंदिर गुजरात प्रांत के कठियावाड़ क्षेत्र में सागर के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से इहलोक एवं परलोक दोनों कल्याणकारी होते हैं। और ये है सूर्य नारायण मंदिर। हल्का ना मने द्वारिका दे खड़को डेला कान नो हे वाला रही न सको तम बिना काना मने द्वारिका दे खड़को डिला कान नो हे वाला रही न। ये है दयाराम बाबा आश्रम। मने द्वारिका देखा वाला मने द्वारिका देखा धन्य होते हैं वो प्राणी जो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि को स्पर्श करते हैं। भगवान सर्व जगत में व्याप्त हैं, परंतु आवश्यकता है एक ऐसी दिव्य दृष्टि की जो भगवान के माया रूप को पहचान सके। चाहे मथुरा वृंदावन हो या द्वारका, भगवान की माया हर स्थान पर विराजमान है। परंतु अज्ञानवश भक्तगण अलग अलग स्थानों में
उनके दर्शन के लिए भटकते रहते हैं, चाहे आम इंसान हो या फिर भगवान की प्राण प्यारी राधिका। सभी के मुख में एक ही प्रश्न होता है, किसी ने मेरा श्याम देखा? द्वारकापुरी की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए नगर पालिका की ओर से बसों के अलावा निजी वाहन भी उपलब्ध हैं। सात्विक भोजन एवं ठहरने के लिए धर्मशालाएं तथा होटल की भी यहां उत्तम व्यवस्था है। इस छोटी सी नगरी में मनोरंजन के बेहतर साधन भी हैं। कहते हैं कलयुग में जो भी प्राणी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन के आरंभ के दिन तथा ज्येष्ठ आषाढ़ एवं पौष मास की द्वादशी को गोमती और समुद्र के संगम में स्नान करके द्वारकाधीश की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जिस घर में द्वारकापुरी की तुलसी विराजती है, उस घर में काल संकट भी प्रवेश करने से डरता है। जहां 16 कलाओं से संपन्न भगवान ने स्वयं वास किया हो, उस पावन द्वारकापुरी को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए अब हम सब कहें, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद, गाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणार विंद, जय द्वारकाधीश। मेरो